वेलकम टू माय चैनल रोस्टर ओमेगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लालबाग का राजा वो जो गणेश जी है उनको इतनी ज़्यादा मान्यता क्यों दी जाती है, उनके पीछे की हिस्ट्री क्या है, उन्हें कब से बिठाना शुरू किया इस बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, ये डेकोरेशन के दौरान इस तरह का पीछे वाला चक्र बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसको बनाने के लिए मोटर यूज की गई है। आपके घर में अगर कोई चार्जर होगा खराब वाला तो उस चार्जर को काट लो वहाँ से, और फिर उसको कनेक्ट करो वायर के थ्रू उस मोटर के साथ और मोटर पे पंखा लगा दो। तो आप जैसा कि देख सकते हैं गणेश जी पधार चुके हैं मेरे घर पे और विराजमान हो चुके हैं। तो आइए बात करते हैं लालबाग के राजा के बारे में। इनको बिठाना शुरू हुआ था हमें आज़ादी मिलने से भी पहले, मतलब 1934 में लालबाग के राजा उन गणेश जी को बिठाना चालू किया था वर्कर्स के द्वारा, मुंबई में जो वर्कर्स रहते थे उनके द्वारा, क्योंकि वे गुलामी से परेशान थे और वे चाहते थे कि वे मतलब भगवान की ऐसी पूजा करें। तो सब ने इकट्ठा होकर गणेश जी को बिठाने का निर्णय लिया। तब से फिर गणेश जी को बिठाने का वहाँ पे परंपरा चलती आ रही है और हर साल पिछले साल से बड़े और ज़्यादा अच्छे गणेश जी बैठते हैं जैसा कि आप सबको पता है। और अभी वो पॉइंट वर्ल्ड फेमस है, वहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े गणेश जी वहीं पे बैठते हैं, क्योंकि मुंबई में सबसे ज़्यादा गणेश जी मतलब सबसे बड़े बड़े गणेश जी मुंबई में ही बैठते हैं। और वहाँ से सारे गणेश जी जितने भी मुंबई में बैठे हैं वो सारे गणेश जी का साइज उन गणेश जी से छोटा ही होता है। और बाकी वो मंदिर बहुत ज़्यादा मान्यता वाला भी है। तो मेरे घर में गणेश जी का आगमन हो चुका है, अब आपके घर में बैठते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। आप जा सकते हैं अपने आसपास के मंदिरों में, क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी का माहौल चल रहा है। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को। थैंक यू।